लाल कुआं पहुंचे नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने बिदुखत्ता राजस्व गांव के संबंध में कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार गंभीर है, साथ ही आईएसबीटी कार्य भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2022 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं है और जनता विकास एवं सुशासन के नाम पर फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दे रही है। यहाँ लाल कुआं स्थित पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान के कार्यालय पहुंचे नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बिंदुखत्ता राजस्व गांव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पहली बार बिंदुखत्ता राजस्व गांव का मामला सदन में गुंजायमान हुआ है और प्रदेश तथा केंद्र की सरकार राजस्व गांव के मामले में गंभीर है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। पानी की बौछार नहीं कर रही है तो प्रशासन को कहीं पर कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए इसलिए पानी और ऐसी चीज़ें प्रयोग करनी पड़ती हैं, इसलिए किया होगा। सरकार का कोई आदेश पानी का बौछार करने का नहीं है। एक मैं ये बता दूं, किसान आंदोलन में मेरे किसान भाई कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग उनको समझा नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं या भड़काए जा रहे हैं। नंबर एक तो ऐसा है कि उसमें साफ एक्ट में लिखा है जो सरकार नहीं चाहती है अपने राज्य में लागू करना न लागू करे, तो सीधे सीधे पंजाब ने कह दिया हम अपने वहाँ नहीं लागू करेंगे इस एक्ट को, बात ख़त्म हो गई। फिर जब है ही नहीं कुछ, वहाँ सरकार लागू कर ही नहीं रही है वहाँ की सरकार, तो फिर तो आंदोलन होना ही नहीं चाहिए था पंजाब में, वहाँ के किसानों को तो आना नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की आमदनी 2022 तक दुगुनी करने का जो बीड़ा उठाया है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके आधार पर आप अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकते हैं। जो मंडियों की जकड़ने थी, जो मंडियों की बाधाएं थी, आप बाहर नहीं जा सकते थे अपनी मंडी से, वो ख़त्म कर दिया। अगर हल्द्वानी की मंडी में कोई चीज़ 10 रुपये किलो बिक रही है, दिल्ली की मंडी में 100 रुपये किलो बिक रही है, तो आप सीधे सीधे दिल्ली की मंडी में बेचिए। और अभी एक हमारे जो किसान थे, अभी नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी की जिन्होंने मन की बात सुनी होगी, तीनों का बकायदा नाम लेके उन्होंने बताया, जिनका पैसे का भुगतान नहीं हो रहा था लंबे समय से, उन्होंने इस एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेशन दी तो 3 दिन में उनका भुगतान हो गया जो एक्ट में लिखा है। और एक ने तो बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और CEO बना दिए हैं, अपना CEO बन गए खुद किसानों के, वो हर एक को रेट बता रहे हैं, आज फलानी मंडी में ये रेट, आज फलानी मंडी में ये रेट, उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, जहाँ ज़्यादा रेट हो रहा वहाँ वो जा रहे हैं। दिक्कत क्या है कि थोड़ा बिचौलिए वगैरह जो मंडी में होते थे उनको कष्ट हो गया है, थोड़ा कष्ट की स्थिति है, पर किसान को कहीं से कहीं तक लॉस नहीं है। किसान भाई जल्दी इस बात को समझेंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो चिंतित है कि आखिर अपने घर बार छोड़ के इस तरह से बेचारे क्यों आ रहे हैं, क्यों समझ में बात नहीं आ रही है। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे जो उप नेता हैं और हमारे पूर्व अध्यक्ष जी माननीय अमित जी और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये सब लोग लगातार वार्ता में हैं, वार्ता आएंगे, हल निकलेगा, जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी और किसान समझेगा एक दिन कि नरेंद्र मोदी किसी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कर रहे हैं। जमरानी बांध सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से रुका रहा है। जो इसमें मनीला से टीम आने वाली थी आर्थिक सर्वेक्षण के लिए, वो लोगों ने मना कर दिया आने से, क्योंकि फ्लाइट भी नहीं आई, कई चीज़ें नहीं आई। अब हम उसके जो शेष आर्थिक रिसोर्सेज आने हैं तो वो उसके लिए अलग से प्रयास किया जा रहा है। उसमें करीब करीब 16 या 17 प्रकार की हमने स्वीकृतियाँ ली। पहले तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही स्वीकृति नहीं हो रही थी, जब माननीय योगी जी वहाँ पर आए और हमारी सरकार यहाँ पर आई तो फिर इसके बाद से उत्तर प्रदेश ने भी अपनी स्वीकृति दे दी, वरना उत्तर प्रदेश सरकार पहले स्वीकृति नहीं दे रही थी। इसी तरह से पर्यावरण फाइनल हो गया, सारी चीज़ें फाइनल हो गई। वित्त में थोड़ा सा नीचे ऊपर हो रहा था, वित्त में जो हम वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे थे उसकी टीम यहाँ आनी थी, वो टीम जहाँ से आनी थी वो आ नहीं पाई यहाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है। अब उसका दूसरा आर्थिक स्रोत देखा जा रहा है और वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अभी तक विस्थापित नहीं कर पा रहे हैं, जिनको विस्थापन के लिए ज़मीन ढूंढनी थी वो ज़मीन नहीं मिली है। नियम यह है कि जब तक विस्थापित नहीं होंगे तब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है।
तो बहुत तेज़ी से इस समय सिंचाई विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोग इस ओर काम पर लगे हैं कि कहाँ ज़मीन ढूंढें, कैसे विस्थापन करें, क्योंकि गांव खाली होने हैं। तो वो गांव के लोग जब गांव छोड़ते हैं, कोई भी, जैसे टिहरी डैम बना, तो सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है, भावात्मक लगाव होता है उस भूमि से, इसलिए उसको थोड़ा समय लग रहा है कि किस तरह से सबको तैयार किया जाए और वहाँ से शिफ्ट किया जाए। स्वीकृति तो पूरी ही हो गई, पूर्ण हो गई है। वन भूमि के कानून जटिल हैं, सभी लोग जानते हैं। हमने बिंदु खत्ता समेत, बग्गा 54 है, बिंदु खत्ता है, इस तरह के कम 24 या 25 मामले जो उत्तराखंड के थे वो केंद्र में उठाए, भारत की संसद में उठाए। उसके बाद उस पर कार्यवाही गतिमान है और प्रदेश सरकार से इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। मैं समझता हूँ कि जब शुरुआत हुई है तो उसका परिणाम धीरे धीरे ठीक आना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि चाहे बिंदु खत्ता हो या अन्य जगह हो, ये आज वन भूमि नहीं रह गई है। 50,000 की आबादी जहाँ हो, कृषि जहाँ पर हो रही हो, तो वो वन भूमि नहीं हो सकती है। मैंने अपनी तरफ से सजेशन दिया है, सुझाव भी दिया है और सरकार इसी पर काम भी करेगी कि ऐसी जगह जितनी भी हैं, उन जगहों को जिसका कब्जा है उसको देना चाहिए, उससे रेवेन्यू लेना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, उनको मिलेगा मालिकाना हक और गवर्नमेंट को मिलेगा रेवेन्यू। अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो दोनों को फायदा होगा, इसलिए ऐसा सजेशन दे रखा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इसमें सकारात्मक व्यू आएगा जरूर। पहले कुछ उसमें हो जाए, देखिए हो जाए तो बेहतर है, लेकिन होगा इसमें जरूर।